हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज ग्लैम। आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो या, दिस इज़ माय प्रोडक्ट ममा अर्थ ऑनियन हेयर मास्क। आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि किस तरह इसने मेरे बालों को वर्क किया या नहीं किया। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई विल टेल यू वन बाय वन क्या क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में। सो या, ये है ममा अर्थ का ऑनियन हेयर मास्क विथ ऑनियन ऑयल एंड ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर। ये कुछ इस तरह के बॉक्स में, टब में आता है और इसका आउटर पैकेजिंग में से पता नहीं कहाँ रख दी हूँ या पता नहीं मिल नहीं रहा है। इसमें लिखा हुआ है ये फॉर ऑल हेयर टाइप के लिए है और हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है। ये है पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड विथ बायो एक्टिव इन्ग्रीडियंट। और इसकी MRP है 599। मुझे ये इसकी वेबसाइट से ही मैंने इसे बाय किया था। तो आपको भी अगर इसे परचेस करना है तो मैं इसका लिंक दे दूँगी इसके साइट का। और इसके की इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हैं। एक्वा है, ब्रसिका अल्कोहल है, कोकोनट ऑयल है और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं क्लियरली। आप इसे वीकली 2 टाइम्स लगा सकते हैं। 200 ग्राम का आपको टब मिलता है 599 में। सो ये इसका टब बॉक्स ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। एंड लास्टली ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो थोड़ा सा थिकर साइड है ये। और आपके बालों में, अगर आपके बाल हेयर लॉन्ग हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना होगा इसे। आई हैव सिल्की स्ट्रेट हेयर और कुछ दिनों से काफ़ी ड्राई ड्राई लग रहे थे, सो आई थॉट कि मुझे ये एक बार ट्राई करना चाहिए। सो मैंने इसे एक बार ट्राई किया और आई थिंक 2 टाइम्स ही ट्राई किया है। ओ माय गॉड, इसको लगाने के बाद मेरे हेयर गैश नो इसे लगाने के बाद मेरे हेयर और जो पहले से सिल्की और स्मूथ थे, बाद में वो और इतने रफ हो गए कि आई डोंट नो क्या हुआ इस प्रोडक्ट के साथ। मुझे इस प्रोडक्ट से काफ़ी उम्मीदें थीं, बहुत सुना था ममा अर्थ के इस ऑनियन हेयर मास्क के बारे में, बट सीरियसली यार मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया। आई डोंट नो वाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो मुझे सूट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी सूट ना हो, आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। मुझे हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, सो आई थॉट कि आई शुड गिव इट चांस एंड या। सो इतना बचा हुआ है, सिर्फ मैंने 2 बार इसे यूज़ किया, मुझे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं, बट आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और आपको अगर स्मूथ सिल्की हेयर चाहिए तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऑर्गेनिक है और काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट भी हैं और पैराबेन क्रुएल्टी फ्री है, सिलिकॉन फ्री है। सो अच्छा, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।